नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद के खागा कस्बे के जीटी रोड चूड़ी गली स्वर्गीय मुकुंदी लाल गुप्ता के एक ही बेटा था जो कोविड के समय खत्म हो गया था, जिनका नाम मनोज उर्फ पप्पू गुप्ता, जिनकी शादी प्रतापगढ़ जनपद में हुई थी। जिनके दो बेटी ताशु तान्या और एक बेटा पार्थ, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष और मनोज की पत्नी मृतका हेमू उम्र लगभग 42 की, जिसकी बीती रात हेमू को मारा गया। इसकी जानकारी जब दूधिया आया और आवाज देने के बाद जब कोई नहीं सुना तो दूध लेकर ऊपर जा रहा था, तभी जीना के पास देखा कि लाश पड़ी है। तब बाहर निकलकर लोगों से बताया तो चुनावी माहौल में यह बात आग की तरह फैल गई और खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जिले में सूचना दी तो मौके पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी और खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र मिश्र भी पहुंचकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट जांच टीम भी मौके पर पहुंची। आप लोगों को बताते चले कि लोगों द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मुकुंदी लाल गुप्ता थे, उनके खत्म होने के बाद हेमू की सास शांति देवी ने अपनी दोनों बेटियों के नाम बेनामी की भी बात सुनने को मिलती है। अभी मामला जांच का विषय है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आए सुने क्या कहा एडिशनल एसपी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। कस्बा खागा में हेमू केसरवानी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय मनोज केसरवानी, जिसके ऊपर 42 वर्ष की, आज रात में उनके घर में शव मिला हुआ है और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। इसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है और अभी तक प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद का मैटर सामने आ रहा है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। समस्या दी है।